श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र शाही के नेतृत्व में करणी सेना के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव साजन द्वारा भारतीय राजाओं के ऊपर किए गए अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में शास्त्री चौक पर पुतला फूंका। इस अवसर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए करणी सेना के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप शाही ने कहा, अमरेंद्र शाही जिलाध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना। हमारा ये मान है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि जो उनके सनकी सपा के प्रवक्ता हैं सुनील यादव, उन्होंने जो भारतीय राजाओं के ऊपर बयान टिप्पणी किया है, उनको मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम बताया है, ऐसे सनकी प्रवक्ता को उनको तत्काल पद से बर्खास्त करना चाहिए। हमारा दूसरा मांग, हम जो राजपूत करणी सेना के सदस्य हैं, हम ये बताना चाहते हैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से कि राजपूतों का इतिहास, उन्होंने हमारे गौरवशाली इतिहास को भी ललकारने की कोशिश किया है, और हम राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी ये बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि राजपूत का इतिहास गौरवशाली रहा है। 14-14 साल के बच्चे अपने राष्ट्र के लिए, सभी समाजों की रक्षा के लिए, सभी समाजों और प्रजा की रक्षा के लिए अपने कुल अपनी बलिदान दे दिए, अपने देश राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए, वो हमसे हमारे गौरवशाली इतिहास को पूछ रहे हैं। सुनील यादव जैसे लोग हमारे गौरवशाली इतिहास को ललकार रहे हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि सुनील यादव हैं, अपने ही जात का टाइटल वो नहीं लगाते हैं, सिंह कितना सुनील सिंह यादव टाइटल करके लगाते हैं। आखिर हमारा गौरवशाली इतिहास जब नहीं है तो आप हमारे टाइटल का इस्तेमाल क्यों कर? पहले तो अपना नाम सुनील यादव रखना चाहिए उनको, सुनील सिंह साजन से हटाकर सुनील यादव रखना चाहिए उनको नाम।